please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। ये गाना महेश भट्ट साहब ने ठीक से सुना होता तो वे सड़क टू बनाने की गलती नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ये फिल्म जमाने के हिसाब से नहीं बनाई। सड़क टू अपनी रिलीज के साथ अब खुद सड़क पर आ गई है। 20 साल बाद अपनी हिट फिल्म को टूटे हुए पतीले में पकाकर उन्होंने परोस तो दिया, लेकिन अब बेस्वाद इस फिल्म को लोगों ने पहले निवाले के साथ ही उगल दिया है। इसके अलावा नेपोटिज्म पर फंसी उनकी बेटी आलिया भट्ट पहले से ही लोगों के निशाने पर थी। सड़क टू के ट्रेलर पर डिसलाइक का रिकॉर्ड पहले ही बन चुका था और फिल्म को भी भाई भतीजावाद पर घेर कर कुचल दिया गया है। महेश भट्ट ने 20 साल बाद इस फिल्म से बतौर डायरेक्टर वापसी की। उम्र से थके हुए संजय दत्त अब पूरी फिल्म का बोझ नहीं उठा सकते, और वो भी तब जब कहानी सिरे से ही कमज़ोर हो। स्टोरी, स्क्रिप्ट, डायलॉग, हर कुछ 20 साल पुराना ही लग रहा है। कहानी सुनाएं तो आप थोड़ा जान पाएंगे। दरअसल फिल्म में एक्ट्रेस आर्या देसाई यानी कि आलिया भट्ट फर्जी बाबाओं के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, और उनका साथ दे रहे हैं विशाल चव्हाण उर्फ मुन्ना यानी कि आदित्य राय कपूर। पर जो दिख रहा है वो मामला नहीं है। दोनों के मेंटर है रवि किशोर यानी कि संजय दत्त, जो अपनी गलतियों के पछतावे पर जी रहा है। वो हर दिन सुसाइड अटेम्प्ट करता है ताकि अपने प्यार पूजा वर्मा यानी कि पूजा भट्ट के पास पहुंच सके। पॉइंट टू बी नोटेड, महेश भट्ट ने आलिया को तो आर्या बनाया लेकिन अपनी दूसरी बेटी पूजा भट्ट का नाम सेम ही रख दिया। इतना ही आलस फिल्म में भरा हुआ है। खैर, कहानी पर वापस आते हैं। रवि किशोर यानी कि संजय दत्त आलिया के चलते पूजा से नहीं मिल पा रहा है। फिर शुरू होती है एक यात्रा। तीनों कैलाश पर्वत के सफर पर निकलते हैं। इसी सफर में वो पाते हैं कि फर्जी बाबा और धर्माधिकारियों से आज़ादी पाने से बेहतर है कि फर्जी रिश्तों से मुक्ति पाई जाए। फिल्म की कहानी कुछ ऐसी है कि आप पैसे देकर खुद के ही बाल नोच लेंगे। फिल्म में जीसू सेन गुप्ता की अजीब कहानी बस एक मामूली चुटकुला साबित होती है। फिल्म में कई जगह गंभीरता की जगह हंसी के अवसर आ जाते हैं। मकरंद पांडे जो फर्जी बाबा बने हैं उनसे आपको डर तो नहीं लगेगा, पर वो आपको हंसा देंगे। इधर एक और झोल जिसमें आप कन्विंस नहीं हो पाते हैं वो है कि संजय दत्त यानी कि रवि किशोर 50-55 बरस का अधेड़ उम्र का निराश आदमी, मगर फाइटिंग में उसका कोई तोड़ नहीं है। बिना डिमांड ही अचानक और गैर विश्वसनीय तरीके से गैंगस्टर दिलीप हटकटा आ जाते हैं। हटकटा का किरदार आपको बहुत ही अटपटा लगेगा। फिल्म की राइटिंग ही इतनी लचर है कि कुछ एक शॉट वाले डायलॉग को छोड़ दें तो कोई भी कलाकार इसे संभाल नहीं पा रहा है और न ही अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे पा रहा है, सिवाय जीसू सेन गुप्ता के जो आर्या के पिता के रोल में हैं। वो एक हद तक सरप्राइज करते हैं। अब बिना सिंह पूछ की फिल्म का और रिव्यू मुझसे नहीं हो पाएगा। बाकी रही बात फिल्म देखने की, तो मैं आपको बताऊं, हमें तो आपके लिए यानी कि रिव्यू के लिए फिल्म देखनी पड़ती है, लेकिन आपकी कोई मजबूरी थोड़ी ही है।